समाचारों में आगळ वधीए। मोदी सरकारना शपथ समारोह ने लई मोटा समाचार प्राप्त थई रह्या छे। 8 जूने योजाई शके छे मोदी सरकारनो शपथ समारोह। 8 जूने प्रधानमंत्री मोदी नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पदना शपथ लई शके छे। संवाददाता विनित कुमार जोड़ाई गया छे अमारी साथे दिल्ली थी लाइव। विनित, 8 जून वो दिन क्या तय कर लिया गया है? सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार गठन को लेकर के कवायद जो है वो लगातार जारी है, और इसको लेकर के अब जो बात है कि अब किस तारीख को जो है वो सरकार बने, इसको लेकर के वह कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं उसके अनुसार 8 जून को जो है वो सरकार का गठन जो है वो कर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल का जो शपथ है, मोदी 3 का जो शपथ है वो किया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। यतेंद्र जी, जिस तरह से अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसको लेकर के शपथ जो है वो 8 जून को लिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास हुई है? देखिए, पहले बिल्कुल ये माना जा रहा था कि 9 जून को शपथ होगी, लेकिन अब खबर सामने आ गई है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उसका क्योंकि 7 जून को जो NDA के सांसद हैं, यानी कि संसदीय दल की बैठक NDA की बुला ली है, वो 2 बजे होगी 7 जून को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। उसके बाद 8 जून को शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 9 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नायडू शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। फिर 10-11 को उड़ीसा और अरुणाचल, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। यानी इसी वजह से 8 जून सबसे मुफीद है, सबसे अच्छी डेट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, और क्योंकि 12-13 में उनको विदेश यात्रा पर जाना है। तो यही बात जो है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि G7 G8 की जो बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनको जाना है, तो इससे पहले जो है वो सारे कार्यक्रम जो है वो तय हो जाने हैं, तो क्या हम मान के चले कि 8 तारीख ही जो है वो अभी सबसे मुफीद बैठता है? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का दावा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो शपथ ग्रहण में जाएंगे इन तीनों राज्यों के में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल, क्योंकि तीनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं बीजेपी की दृष्टि से और NDA की दृष्टि से, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर ही जाएंगे शपथ लेने के बाद, क्योंकि उसके बाद उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है। तो 8 जून ही सबसे अच्छी डेट है, क्योंकि 7 जून को NDA के सांसदों की बैठक बुलाई गई है, उनके साइन का समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, तो वो औपचारिकताएं जरूरी है पूरी करना। और आज NDA के जो घटक दल है, जो प्रमुख नेता है, वो राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति उनको औपचारिक तौर पर न्योता भेजेंगे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उनके पास बहुमत NDA के नाते पूरा है, तो वो समर्थन पत्र आज मिल जाएगा। हालांकि आज डिनर भी है राष्ट्रपति की तरफ से, जो पुराना मंत्रिमंडल है, जो निवर्तमान मंत्रिमंडल है, उनको डिनर देंगे, क्योंकि परंपरा रही है कि जब भी जो सरकार का लास्ट दिन होता है उसमें पूरे मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति न्योता डिनर पर इन्वाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही समर्थन पत्र उनको दे दिया जाएगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और परसों 7 जून को NDA के सभी सांसद नेता के तौर पर, अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव करेंगे, और उस चुनाव के बाद 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो है वो अभी तक की सबसे मुफीद दिन है, जिस दिन जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार में जो है वो शपथ ले सकते हैं। जी विनीत, एक और प्रश्न ये है कि अभी जो स्थिति बन रही है, डिक्लेरेशन कब होगा कि आखिर 8 जून को ही शपथ समारोह होगा? क्या हो सकता है कि आज जो बैठक मिलने वाली है, बैठक का आयोजन किया गया है, उसके बाद जाहिर किया जाए डेट के लिए? हाँ जी, निश्चित तौर पर सरकार जो बनने की प्रक्रिया है उसकी घोषणा जो है वो आज NDA की बैठक होगी, उसके बाद में ही किया जाएगा, और उसके बाद ही पूरी तरह से डिक्लेयर किया जाएगा कि आखिरकार क्या तय हुआ है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से NDA के घटक दल जो है वो बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक के बाद ही में यह तय होगा कि आखिरकार प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि जब आज बैठक करेंगे वहाँ पर यह भी तय होगा कि आखिरकार कौन से घटक दल जो है वो शामिल होने चाहते हैं, या फिर जो घटक दल शामिल होने चाहते हैं उसका आकार क्या होगा, कितनी संख्या में उन्हें में जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ कौन सा विभाग जो है वो उन्हें दिया जाए, इसको लेकर के भी जो मोटे तौर पर जो चर्चा है वो कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ हम अपने में सहयोगी यतेंद्र शर्मा से भी इस सवाल पर जानेंगे कि आखिरकार इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो कब की जाएगी, कि आखिरकार जो सरकार में शामिल होंगे वो इसकी
औपचारिक घोषणा कब होगी शपथ ग्रहण की, क्योंकि यतीन्द्र ये भी सवाल हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार औपचारिक घोषणा कब होगी, क्योंकि इसकी कई फॉर्मेलिटी होती हैं। पिछले बार भी हमने देखा था कि कई मेहमानों को बुलाया जाता है, तो औपचारिक घोषणा हम कब माने कि इसकी औपचारिक घोषणा कब हो जाएगी, कि 8 तारीख की या फिर किसी और तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे? देखिए, माना तो जा रहा है कि औपचारिक तौर पर आज ही घोषणा कर देंगे, क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं उनकी मीटिंग 4 बजे है और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, क्योंकि औपचारिक तौर पर इस्तीफा भी सौंपा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। आज वो अंदर बैठक चल रही है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई और वो प्रस्ताव पास हो चुका है। उस प्रस्ताव में जहाँ एक प्रस्ताव में जहाँ मोदी सरकार के जो कार्यकाल की उपलब्धियाँ रहीं उन पर बधाई दी गई, उनकी तारीफें की गई कि बड़े काम कड़े फैसले मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए लिए, और बधाई मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दी क्योंकि तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। और इसके अलावा जो लास्ट महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जो एक परंपरा भी रही है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो उससे पहले मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही होता है, तो वो जो लोकसभा होती है वर्तमान उसको भंग करने की सिफारिश करते हैं, तो वो प्रस्ताव भी हो गया। अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, वहाँ पर भी इसी तरह का एक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सभी नेता प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, उस दावे को लेकर समर्थन पत्र जो होगा उसको राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आप पूछ रहे हैं कि औपचारिक घोषणा कब होगी या कब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तो वो आज जैसे ही समर्थन पत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद यतीन्द्र आपका। ये बात हो रही है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मीटिंग जो है वो होती जाएंगी और जिस तरह से फॉर्मेलिटी जो है, चाहे वो एनडीए घटक दलों की बैठक है वो हो जाएगी, राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा जो है वो किया जाएगा जिसमें एनडीए के घटक दल जो है वो अपना समर्थन करेंगे। जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार सरकार जो है वो कब बनेगी। औपचारिक घोषणा भी होगी कि आखिरकार किस तारीख को प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार शपथ लेंगे। विनीत और यतीन्द्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 8 जूने एनडीए ना प्रधानमंत्री एटले के नरेंद्र मोदी त्रीजी वक्त प्रधानमंत्री पदना शपथ लेशे तेवी जानकारी सूत्रों तरफ थी आवी रही छे, अने बनी शके के आजनी बैठक बाद औपचारिक रीते तेनी जानकारी आपवामां आवे, जाहिर करवामां आवे के 8 जून नो दिवस नक्की करवामां आव्यो छे। जो के अत्यारे तो ए जानकारी मिली रही है कि राष्ट्रपति साथ सांजे जो अंतिम कैबिनेट है तेनी माटे डिनर की व्यवस्था करवामां आवी छे। इत बाद कांग्रेस ने लईने गेनी बेन नु मोटू निवेदन सामे आव्यु छे। भाजपनी सरखामणीए कांग्रेस नु संगठन नबळू, भाजप जेवी संगठन शक्ति नो कांग्रेस में अभाव छे, संगठन शक्ति ना अभाव ना कारणे मुश्किली, उम्मेदवारे पोताना के समाज ना दम पर चूंटणी लड़वी पड़े छे। एक पक्ष जारे चूंटणी लड़तो थशे त्यारे जीती शकाशे, कांग्रेस दम लगावीने चूंटणी लड़े तो परिणाम लावी शके छे। कांग्रेसे बनासकांठाथी तेनी शुरुआत करी दीधी छे, बनासकांठामां मतदारो कांग्रेसनी साथे छे। गेनीबेने वात करी पक्ष विरोधी काम करनाराओने पक्ष न राखवा जोईए, कार्यवाही कराशे तो ज पक्ष विरोधी काम करनाराओने संदेश जशे। कांग्रेस पार्टी ने एक ज संदेशो के संगठन की कामगिरी ए जीरो ग्राउंड पर घनी उमानुत्या उधी भारतीय जनता पार्टी की सरखामणी में अपनी सीस्टम में क्या घणो मोटो अभाव है। अन एना कारणे उम्मेदवार चूंटणी लड़तो होय त्यारे ए पोताना दम पर लड़व पड़े, पोताना समाजनी ताकत पर लड़व पड़े, एने बदले पेरेलल ए पार्टी चूंटणी लड़ती थशे। ए दिवसे उमानुत्या उधी कांग्रेस एक मजबूताई थी चूंटणी मैदान में जई अने जन आशीर्वाद मेळवशे। राजकोट में आकांडनी घटना बाद फायर सेफ्टी ने लईने अमदावाद नु शिक्षण विभाग हवे एक्शन में आव्यु छे। अमदावाद नी 700 थी वधु शाळाओना आचार्यो अने प्रतिनिधिओ माटे फायर सेफ्टी नी ट्रेनिंग नु आयोजन करायु छे, जेमां शाळामां अचानक आग लागे तो तेने केवी रीते बुझावी शकाय तेनी ट्रेनिंग आपवामां आवी छे। फायर सेफ्टीना विविध साधनों साथे डेमोन्स्ट्रेशन करीने ट्रेनिंग पण आपवामां आवी छे। शाळाना प्रतिनिधिओ आगनी घटनामां केवा पगला लई शके ते माटे सूचनो पण अपाया छे। तो फायर सेफ्टी ने लईने शिक्षण विभाग सतर्क थयुं छे। अमदावादनो शिक्षण विभाग एक्शन में आव्यो छे, जेना माटे खास ट्रेनिंग पण आपवामां आवी छे। शाळाओना आचार्य प्रतिनिधिओ माटे आ खास ट्रेनिंग नुं आयोजन करवामां आव्यु, जे खूब ज जरूरी पण बन्युं छे। 700 थी वधु शाळाओना प्रतिनिधिओ आमां जोडाया।